मनीषा, मनीषा, क्या हुआ? इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या है सब? क्या है? मनीषा तू अपने खड़ूस पति को छोड़ क्यों नहीं देती? किसके साथ भागने का प्लान कर रही हो तुम? क्या बकवास है ये? कुछ झूठे लेटर रखकर मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं? बनो मत, दूध की धुली हुई तो तुम हो नहीं। लेटर आप लिख रहे हैं, मुझ पे दोष दे रहे हैं, क्या है ये सब? सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। क्या जानते हैं आप? ये सब लेटर वेटर क्या है ये? तो ये सब क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या है? तो दोस्तों, क्या आपने मेरी मम्मी पापा की किटकिट देखी है? मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो। क्या आपने भी अपने मम्मी पापा का झगड़ा करवाया है? अच्छा, तो ये सब तेरी शरारत है? तेरी शरारत है ये? क्यों किया है सब? पापा, सोशल मीडिया पे छाने के लिए सब करना पड़ता है। नताशा दीदी भी मुंबई में एक से एक वीडियो डालती है, मुझे उनसे भी ज्यादा फॉलोअर चाहिए। तो सोशल मीडिया पे छाने के लिए तू अपने माँ बाप की थूथू करवाएगा? चल डिलीट कर। डिलीट नहीं, अपलोड करूंगा। अरे रुक रुक, मैं कहता हूँ रुक। क्या जरूरत थी इसको स्मार्टफोन दिलवाने की? बेटी को तो बिगाड़ दिया और अब बेटे को भी। तो क्या सारा दोष मेरा ही है? अपने आप को देखा है कभी? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, समझी तुम? जाकर देखो उसे क्या कर रहा है वो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए ना गौतम, जो सुबह घर से निकला था अभी तक वापस नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ। ये बात आप बता रही हो तुम मुझे? गौतम की कोई फिक्र है या नहीं तुम्हें? फिक्र क्यों नहीं होगी, लेकिन आप तो जानते हैं वो घर में टिकता है क्या? कि तुम्हें तुम्हारी किटी पार्टी से फुर्सत मिले तब ना। गौतम का ही फोन है। हेलो गौतम, कहाँ है तू? मेरे साथ। वैसे तेरे बेटे की शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती है तुझसे। क्या बकवास कर रहा है तू? गौतम को फोन दे, प्रैंक करना बंद कर। यहीं से छुप के कर रहा है ना तू प्रैंक? अरे ओ, ये कोई प्रैंक प्रैंक नहीं है, तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, उसकी आवाज सुनाता हूं मैं तुझे। बोल। पापा, मम्मी। सुना, अब अपने बेटे की सलामती चाहता है ना, तो 50 लाख रुपए तैयार रख। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं तेरे बेटे का अंगूठा काट के तेरे घर पे भिजवाता हूँ, तू उसका बायोमेट्रिक करवाना और तुझे पता चल जाएगा तेरा बेटा किडनैप हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना मेरे बेटे के साथ, प्लीज। तो अब अपने बेटे की सलामती चाहता है तो पैसे तैयार रख, और पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना। आप लोगों ने एकदम सही किया जो किडनैपर्स की बात नहीं मानी और हमारे पास आ गए। अब अगर वो लोग आपको दोबारा कॉल करेंगे तो हम उनके कॉल को ट्रेस कर लेंगे, डोंट वरी। आप हमारे गौतम को बचा तो लेंगे ना? हाँ सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें ये बताइए, आपको किसी पे कोई शक है? आपके बच्चे को कौन अगवा कर सकता है? सर, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर, जब इन्हें फिरौती का कॉल आया था उस वक्त गौतम का फोन कमला नगर में एक्टिव था। कमला नगर तो आपके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है ना? जी। तो क्या कमला नगर में कोई ऐसा है जिसके पास गौतम जा सकता है? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। सर सर प्लीज, हमारे गौतम को बचा लीजिए सर, प्लीज। पुलिस कॉन्फर्म किया ना तूने? अब तेरा बेटा नहीं बचेगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। 50 नहीं 60, अब 60 लाख रुपए लगेंगे। और अगली बार तेरे बेटे का अंगूठा नहीं मिलेगा तेरे घर के सामने, उसकी आंख मिलेगी। हेलो हेलो,
ये ड्रोन लगता है कोई ड्रोन से हम पे नजर रख रहा है। बैग बैग कहाँ गया? विकास बैग को ढूंढो, मैं ड्रोन के पीछे भागता हूँ। सर वो झाड़ियों में क्या होगा, ढूंढो भागो। पुलिस, आपने फिर पुलिस को बुला लिया? मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये खुद ही हमें फॉलो करके आ गए। सर आसपास अच्छी तरीके से सर्च कर लिया, समझ नहीं आ रहा बैग कौन ले गया। आप लोगों की वजह से मेरा पैसा भी गया और मेरा बच्चा भी। क्यों आए तुम यहाँ? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, उन्होंने इसकी आंखें मेरी। छोड़ोगे नहीं तुमको, छोड़ोगे नहीं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जब कोई उम्मीद मरती है, इंतजार अंधकार में बदल जाता है, तो जिंदगी चलती तो है लेकिन इंसान रुक जाता है। अपने बच्चे में अपना संसार देखने वाले गौतम के माता पिता की जिंदगी भी अब इसी मझधार में नजर आ रही थी, लेकिन अभी इंसाफ होना बाकी था। लेकिन इंसाफ का ये सफर हिला के रख देने वाला था, और इसके साथ चलने वाला एक सफर गुनाह का भी था, जो एक बहुत लंबा और डरावना सफर था, जो साल दर साल कानून को चकमा देता रहा। ना गुनाह थमा, ना गुनहगार। वीडियो में देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रैंक है। क्यों मनीषा जी, सही कहा ना मैंने? वो ड्रोन आपने खरीदा था, और जिस शॉप से खरीदा था उसका सीसीटीवी फुटेज मिला, उसी में देखा हमने। उस दिन मैंने आपका गिरेबान पकड़ा तो आप बदला लेने के लिए कुछ भी बक रहे हैं। वो ड्रोन मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था। तो जब उसका किडनैप हुआ, ड्रोन अपने साथ लेकर गया था वो? क्योंकि जहां उसकी डेड बॉडी मिली हुई है, ड्रोन हमें वहीं पे मिला। ड्रोन अपने आप कैसे पहुंच गया? ये पता करना आपका काम है, और आप हम पे शक कर रहे हैं? देखिए ऑफिसर, हमने अपना बच्चा खोया है और आप हम पे शक कर रहे हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। मैं आपकी आपकी शिकायत करूंगा आपके ऑफिसर से। देखिए, हेलो सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन इस ठेले वाले का कहना है कि वैन सफेद रंग की थी और उसमें एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे, और इसे ऐसा लगा कि शायद गौतम उन लोगों को जानता था। अरे गट्टू, कैसे है तू? चल बैठ, मैं घर छोड़ देती हूँ। उस वैन का नंबर और उसका डायरेक्शन दोनों ट्रेस करने की कोशिश करो। हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि उस दिन वो वैन गौतम को लेकर कहां गई होगी। आप लोग अच्छी तरह से सोचकर बताइए, आपके किसी जान पहचान की औरत या आदमी के पास कोई व्हाइट कलर की वैन है क्या? नहीं। नफरत है। लगता है भूषण जी ने फिर से गर्लफ्रेंड का सपना देख लिया। भूषण जी,
आप भूल गए क्या? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हुए तो सालों गुजर गए। अरे लेकिन ये शक्ल तो ऐसी की ऐसी है ना। इस शक्ल के साथ पैदा होने से अच्छा होता कि मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता। मैं जब भी ये आईना देखता हूँ ना तो मेरी शक्ल से नफरत होती है मुझे। तो देवर जी मत देखिए ना आईना। अब आप ही बताइए, आईना देखने से आपकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। इसका दिमाग खराब हो गया है। हो जाने दीजिए ना दिमाग खराब, पागलखाने भेजने की वजह मिल जाएगी, फिर बेच दीजिएगा ये मकान, वरना ये तो बाप दादा की जमीन जायदाद का बट्टा लगा देगा, समझ रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेट मत हो यार, एक गई तो दूसरी लड़की आएगी, और रही बात तेरे स्मार्क की, वो तो प्लास्टिक सर्जरी से सब निकल जाएगा। लेकिन सर्जरी के पैसे जुटा नहीं पाया मैं। तू तो बोल रहा था कि तुझे कहीं से लाखों मिलने वाले। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया यार, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। सुन, तू बस सर्जरी करने वाले डॉक्टर से मुझे मिला दे। अरे वो तो मिलवा दूंगा, लेकिन कम से कम 1,00,000 रुपये तो एडवांस तैयार रख। ठीक है, मैं कॉल करूँगा तुझे। ठीक है, मैं निकलता हूँ, एक काम है मुझे जरूरी ना। सर बिल। ओके। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सॉरी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? हाँ, मेरा 1.5 लाख का फोन तोड़ दिया। अभी रुको, तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट करती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे वेटर्स रखे हो। ए, क्या वेटर? मतलब सफिशिएंट ब्लैक पैंट मतलब वेटर? तू जानती नहीं है मुझे, समझी ना? शक्ल से तो तुम गुंडे लग रहे हो। शक्ल पे मत जाना, समझी ना? शक्ल पे नहीं। अच्छा सुनो, वो आई एम सो सॉरी, वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ये फोन मुझे मेरे फियांसे ने गिफ्ट किया था, इसलिए मैं इस फोन को लेकर पजेसिव हूँ। आई एम रियली सॉरी यार। जब से पता चला है मेरे बेटे की किडनैपिंग में एक औरत का हाथ है, तब से मुझे उस औरत की याद आ रही है जो न्यू ईयर पार्टी में मिली थी। अरे वही जो मेरे बिजनेस का टर्नओवर जानने में इंटरेस्ट ले रही थी। हाँ वही वही, तेरे पास नंबर मिलेगा उसका? सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। तो आपके अय्याशी गौतम को खा गई। मैंने कोई अय्याशी नहीं की। तो फिर किस औरत का नंबर मांग रहे थे? कौन है ये? क्या रे, मुझे पानी की क्या एक्टिंग कर रहा है? सारे मजे तो ले लिए तूने, मेरी खूबसूरती में इतना डूब गया कि तूने देखा तक नहीं कि दरवाजा खुला है। भाग सकता था। जा कहाँ रहा है? अफीम हूं मैं। सारे मेरी आइटम पर नजर मार रहा है। आंखें निकालूंगा तेरी। नहीं मैंने, बहुत आशी की चढ़ रही है। चल आशी करता हूँ क्या? चल चल आशी करता हूँ। सर अंगूठा काटना, आंखें निकालना, मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स ऐसा करेगा। और सर वैसे भी हमें उनके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं। उस औरत आदमी और उस बहन की कोई लीड मिली? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन हाँ सर, गौतम के CDR में एक फेक ID का नंबर मिला। ये वाह मिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा किसी गलत इंसान के टच में आके उसके झांसे में आ गया? एक काम करो, गौतम की मर्डर से पहले उसकी एक्टिविटीज क्या थी इसका पता करो। ओके सर। अबे ये स्किन सर्जन का बोल के कहाँ ले आया तुम्हारे को? अरे उस सर्जन ने 2 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट दी है। पता क्या मजे कर, एक फैशन मैगजीन का फोटो शूट चल रहा है। ओके साइकिल है, मैं दुनिया का सी काटता हूँ, तू मेरा ही सी काट रहा है। खाली समझाए क्या? ये और मॉडल तू जानता है इसको? इसको कैसे भूल सकता हूँ, अभी तो हिसाब चुकता करना है इसका मुझे। अच्छी तरह से चेक करो, पूरा कोना छान मारो। क्या कर रहे हैं आप? अब क्या चाहिए आपको? अच्छी तरह से चेक करो। आप बताते क्यों नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस मिले। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद किडनैपर्स ने उसने बेहोश करने के लिए ड्रग्स दिए होंगे, लेकिन बाद में हमने उसके कॉल डिटेल्स चेक किए, उसके कॉल डिटेल्स में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। हाँ तो फेक आईडी का नंबर मिला है तो इससे कहाँ साबित होता है कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता था? तो उसके कॉल डिटेल्स में ये फेक आईडी का नंबर किसका है? ये वाला नंबर। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी शक्ल तो पसंद नहीं, लेकिन मैं भी किसी का कर्ज नहीं रखता।
तुम्हारे फोन जितना महंगा तो नहीं है, लेकिन देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने तुम्हें उस दिन सॉरी बोल तो दिया था। तो फोन लेकर थैंक यू। खोलो 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 जल्दी। सर ये जगह कमलानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के लोगों का कहना है कि ये जगह वैसे तो बंद ही रहा करती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले कोई आदमी यहाँ पर रहने के लिए आया था और तभी यहाँ पर वैसी सफ़ेद वैन देखी गई थी जिसका इस्तेमाल गौतम की किडनैपिंग में हुआ था। ताला तोड़वा। मैं क्यों किडनैप करूंगा? मैं खुद बना हुआ हूँ। कौन हो तुम लोग? दो हंसों का जोड़ा, मेरे आदमियों ने तुझको तोड़ा। कौन हो तुम? मूलचंद, तेरी गर्लफ्रेंड का लेनदार। 30 लाख रुपए उधार लिए हैं उसने मुझसे। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और अगर इसने उधार लिए तो मुझे क्यों उठाया? तेरी मॉडल पैसे नहीं देगी तो तू देगा 30 लाख रुपए। देखिए मूलचंद जी, मूलचंद जी, मूलचंद जी, ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, और आपके पैसे मैं चुका दूंगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और अगर नहीं लौटा है तो तेरी पॉर्न फिल्म बनवाकर वायरल करवा दूंगा, और जब तक तू पैसे नहीं देती तेरी कार मेरे पास रहेगी। और एक बात, भागने की सोचना भी मत। जी देखिए, भूख लगी है? मुझे घर जाना। वाह, कभी इसे अफीम चखाती है, कभी पिज्जा खिलाती है, बहुत मजे दे रही है ना तू इसको आजकल। हाँ मजाक बन गया। उसके माँ बाप पुलिस के पास पहुंच गए, हमारे जो लोग उन पर नजर रखे थे ये वीडियो भेजे। पकड़ इसको साले। अरे क्या कर रहे है? उसने इसे नुकसान पहुंचाने से मना किया था। अरे हट चल साइड में साले। अरे इस बात के पूरे चांसेस है कि गौतम को अगवा करके यहीं रखा गया। पता नहीं ये सब किसने किया। विषय काम करो, ये घर किसका नंबर है पता करो। सर। और तुम लोग भी इस कमरे का एक एक कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सुनो दवा ले लो और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मेरे घर नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। अगर मैं घर गई तो वो मूलचंद नहीं, अपने घर नहीं जा सकती। मैंने उसे एक हफ्ते का टाइम तो ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके पैसे चुकाऊंगी। तो फिर वो 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी गाड़ी, ये सब उधार के लेके घूमती हो? नहीं, मुझे मेरे फियांसे ने धोखा दिया। उसने मुझसे कहा कि उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज है और उसको 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने मूलचंद से उसको पैसे उधार दिलवा दिए और वो पैसे लेके भाग गया। और ये मूलचंद मेरे पीछे पड़ा है उसके पैसों के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊं। नहीं देखो
तुम्हें अभी आराम करने की सख्त जरूरत है, तुम दवा लो और सो जाओ। देवर जी, क्या बात है, एक हूर गई तो दूसरी परी पटा लाए। मजाक बंद करो भाभी। मजाक? तो फिर ये कौन है? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की रेप्लिका है। ये रेप्लिका? अरे डुप्लीकेट, मतलब कि पहले वाली एक्स गर्लफ्रेंड की कोई दोस्त वोस्त होगी तो दूसरी वाली में पहले वाली को ढूंढ रहा है। बस करो भैया, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इनको आराम करने की सख्त जरूरत है, प्लीज आप लोग जाइए। चलिए। सुनो, तुम दवा लेके आराम करो। क्या करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें फिर से यहाँ लेकर आ गए। वो घर जिसमें गौतम को अगवा करके रखा गया था वो भी आपके नाम पर ही निकला। कौन सा घर? कौन सा घर? ये वाला घर। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि ये घर मेरे नाम है, पर मैं तो इसे बेचने वाला था। कुछ सालों पहले तक मेरा भाई विवेक इसमें रहता था, बाद में मेरा उससे बंटवारा हो गया। रैंसम कॉल भी उसी एरिया से आया था, और अपने भाई के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा भाई विवेक काफी समय से यहाँ नहीं रहता, नेपाल में रहता है। नेपाल में कहाँ? पता नहीं सर, मेरी उससे बनती नहीं है, एक नंबर का आवारा था। ये क्वीन मेरी, अरे तेरी, तू बड़ा होशियार निकाल के। मैंने तुझे 7 लाख रुपए दिए थे पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तूने पैसे नहीं दिए उनको? हाँ नहीं दिए, मुझे जरूरत थी तो मैंने रख ली, पर भाई साहब वैसे भी मैं मांगता तो आप कौन सा सीधा सीधा दे देते? तो मतलब अपने भाई को ही चूना लगाएगा? भाई साहब इसमें चूना लगाने वाली कौन सी बात है, वैसे भी बिजनेस पापा का है, आप संभालते हो, और भूलिए मत उसमें मेरा भी बराबर का हाथ बनता है। पता नहीं किन लड़कों के चक्कर में पड़कर मेरा भाई विवेक बिगड़ गया था, लेकिन सर विवेक गौतम को बहुत प्यार करता था, इसीलिए मेरा उस पर शक नहीं गया। तो आपका भाई जिन लोगों के चक्कर में पड़ के बिगड़ गया था उनका तो पता होगा? नहीं पता सर, इस बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता। अरे कैसे पता नहीं, अरे सब पता है हमको भाई, नेतागिरी में आए हैं तो सब पता रखना पड़ता है ना। अरे देखिए, आप हमारे चंदे का ध्यान रखिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ अरे हम सही कह रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है, हम रखते हैं, हाँ बाद में बात करेंगे आपसे। अरे महाराज जी नमस्कार, आ गए आप। 10 लाख है, अंदर चल के गिन लीजिए। क्या महाराज जी 10 लाख रुपए? अरे भाई आपका तो करोड़ों का टर्नओवर है, हैं? कम से कम 50 लाख का चंदा चाहिए आपसे हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। इस साले, अरे पहले की तेरे रुतबे में आके तेरे लड़के को उठा लेते तो 1 करोड़ भी देता ना। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत आभार, आपने 10 लाख रुपए का चंदा दिया। आप आइए मेरे साथ, आइए। ये क्या कर रहे हैं आप, आप भूल क्यों नहीं जाते ये माफिया उठा लेना, ये सब आपका पास था। अब आप नेताजी बनने वाले हैं तो नेताजी जैसे बिहेव करें ना। तुरंत मुझे ईमेल करो। ओके जैन सर। ये सर लाश के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाए, गला स्लिट करके मारा गया है सर। और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि इस कस्बे का नक्शा बदल कर रख दूंगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा बोला आपने, क्या भाषण दिया है। भावे बेटा जी इधर आओ, आप लोग जाके बाहर पोस्टर लगवाइए। वाह बेटा, एक क्रिमिनल को तुमने इतना बदल दिया कि वो समाज कल्याण की बातें करने लगा है। मैं तो कृपाल जी की बस राजनीतिक सलाहकार हूँ, और ये सब तो मेरा जॉब है आंटी। आंटी नहीं माँ, हमारी कोई औलाद तो नहीं हुई, इसलिए अब से तुम ही हमारी बेटी जैसी। हाँ सर, ये मेरा भाई भूषण ही है सर। आपने 15 तारीख को राजीव नगर थाने में इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, और हमें इनकी बॉडी उसके 2 दिन बाद 17 तारीख को सुंदरनगर में मिली। जब हमें इनकी बॉडी मिली तो इनके राइट हैंड का जो अंगूठा है उस पर ये इंक लगी हुई थी, एज इफ इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगाया। तो जब ये घर से निकले थे किसी डील के लिए निकले थे? सर हमें कुछ नहीं पता है सर, मैं सच बोलता हूँ सर। सर ये सब ना उसकी दोस्त शिखा का किया धरा है, उस दिन वो उसी के साथ गया था। जब आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी
उसने किसी शिखा का जिक्र नहीं किया और ना ही ये बताया किसी शिखा के साथ गए थे। सर क्योंकि भूषण ने कुछ दिन पहले ही उस लड़की से हमें मिलाया था। सर वो लड़की हमें शुरू से ठीक नहीं लगी, लेकिन वो भूषण के साथ ऐसा कुछ कर बैठेगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे सर। उस लड़की के चक्कर में तो भूषण ने उस मूलचंद नाम के आदमी से झगड़ा तक कर लिया। देख मूलचंद, बार बार फोन करके शिखा को परेशान करना बंद कर, वरना तू कितना भी बड़ा बाहुबली होगा मूलचंद, फार के रख दूंगा तुझे, समझा ना? है कौन ये मूलचंद? पता नहीं सर, हमने तो पहली बार नाम सुना था उस दिन। सर ये विदिशा थाने से कांस्टेबल सुमित है, इन्होंने गौतम का फोटो देखकर हमसे कांटेक्ट किया था, जिस दौरान गौतम अगवा था इन्होंने नाकाबंदी पर वैसे ही सफेद वैन स्पॉट की थी। सर वो औरत बोली कि ये उसका बेटा है, उसे चोट लगी थी तो वो क्लिनिक ले जा रही थी, इसलिए मुझे उन पे शक नहीं हुआ। क्या उसका चेहरा तो याद होगा ना, स्केच बनवा सकते हो? हाँ यस सर। मिश्रा अनिशा, मुझे भी गौतम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको सिर्फ उस औरत की जरूरत है, उस औरत को पाने के लिए आपने अपने भाई से बोल के मेरे बेटे को। बस मनीषा, शक मुझे भी था तुम्हारे पास्ट को लेकर, लेकिन अगर ये बातें बाहर आई ना तो अपने बेटे के साथ साथ हम अपनी इज्जत भी खो बैठेंगे। सर भूषण के सीडीआर में ना शिखा का नंबर मिला ना मूलचंद का, ये दोनों भैया भाभी मिलकर कहीं में घुमा तो नहीं रहे? लेकिन सर भूषण के मर्डर के ठीक पहले उसकी एक मिलिंद नाम के आदमी से आखिरी बार बात हुई, तब भूषण का फोन सुंदर विहार में एक्टिव था जहां हमें उसकी लाश मिली थी। सर मैं किसी मूलचंद को नहीं जानता, लेकिन आशिखा को जानता हूँ, एक मॉडल है। मॉडल कहाँ रहती है? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो बूस्टर फैशन मैगजीन के लिए मॉडलिंग करती है। कुछ दिनों पहले उसका पिक्चर बॉक्स स्टूडियो में फोटोशूट भी हुआ था। 16 तारीख को कत्ल से पहले आखिरी बार भूषण की फोन पर बात तुमसे ही हुई थी, राइट? अरे अभी मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी यार, अभी बस मुझे 30 लाख रुपए इकट्ठे करने, कैसे भी करके हेल्प कर सकता है। सर मैं खुद हैरान था कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए थे। तुम कह रहे हो कि भूषण प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला था? हाँ सर, भूषण की पहली गर्लफ्रेंड ने उसकी इंसल्ट की थी, दरअसल भूषण के चेहरे पर ब्लैक मार्क था और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। भूषण के मन में हीन भावना, इसीलिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता था। कौन थी वो गर्लफ्रेंड, आजकल कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने काफी टाइम पहले किसी और से शादी कर ली। सर उस आदमी और औरत का स्केच है जिनके साथ सफेद वैन में गौतम को देखा गया था। इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो तुरंत, और पता करो इन दोनों का गौतम के फादर या गौतम के चाचा बेबी के साथ कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। गौतम की किडनैपिंग और मर्डर का मकसद ऐसे रहस्य दबाए बैठा था जिसके अंदर से अपराधों का एक ऐसा ज्वालामुखी फूटा था जो हर दिशा में फैल के कई शहरों और कस्बों का माहौल गर्म करने वाला था। लेकिन एक बच्चे का अंगूठा काट के उसकी आंखें निकाल लेने वाला वहशी किस ठंडे बस्ते में छिपा था, और भूषण क्यों मारा गया था, उसकी दोस्त शिखा कहां गायब थी, ऐसा क्या हुआ था जो भूषण के अंगूठे पे स्याही के निशान मिले थे लेकिन उसके गुनहगार का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। आखिर भूषण के केस का गौतम के केस से क्या कोई वास्ता था, और इनके बीच पॉलिटिशियन कृपाल की क्या भूमिका थी। नेताजी चीरहरण पक्का है तुम्हारा? कौन बोल रहा है तू? पुराना कांड हूँ तुम्हारा, और अगर आप अपनी छवि बचाना चाहते हो तो 3 करोड़ देने पड़ेंगे। सर ये भूषण की पहली गर्लफ्रेंड का फोटो, ये अपने पति के साथ इंदौर में रहती थी लेकिन इन्होंने रिसेंटली शिफ्ट कर लिया। सर शिफ्ट कहाँ किया कुछ पता चला? नहीं सर। पता करो कहाँ शिफ्ट किया, और वो शिखा और मूलचंद उनके बारे में कुछ पता चला? सर मूलचंद का कुछ नहीं पता चला, शिखा जिस फैशन मैगजीन के लिए मॉडलिंग करती थी उनका हेड ऑफिस दिल्ली में है सर। तुरंत दिल्ली के लिए निकलो। सर सर कामें, सर मैंने भूषण की बैंक ट्रांजेक्शन चेक की, सिग्मा फाइनेंस कंपनी से उसको 25 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन मिला था। सिग्मा फाइनेंस कंपनी के पास भूषण और कौशल के घर के कागज भी मिले थे सर, और उन्होंने भूषण का थंब इंप्रेशन भी लिया था। भूषण के अकाउंट में अभी पैसे हैं? जी नहीं सर, पैसा अकाउंट में आते ही निकाल लिया गया। लेकिन सर एक और बात है, जिस दौरान भूषण का कत्ल हुआ था
उसके पड़ोसियों का कहना है कि उस समय उसके घर से कुछ लड़ने झगड़ने की और मारपीट की आवाजें आ रही थी। एक-एक को ना चेक करो। सर मुझे तो खुद आज मालूम चला कि घर से प्रॉपर्टी के पेपर गायब है। सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई भूषण मेरे साथ ऐसा करेगा, प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख देगा। सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके भाई ने जो फाइनेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसमें ये NOC और NOC पे तुम्हारे साइन। सर ये साइन मेरे साइन से मिलते जरूर है लेकिन मैंने नहीं किया। सर ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम्हारे साइन लड़की के साथ मिलकर उसने मुझे चूना लगाया। सर आप एक मिनट। सर यहाँ पर खून के धब्बे हैं जिन्हें मिटाया गया है। किसका खून है? किसका खून है ये? सर उस दिन मेरे और मेरे भाई भूषण के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और गर्मा गर्मी में सर मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया। ये कहीं नहीं जाएगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। तू यही चाहती थी ना कमीनी? भाभी सर उसका सर यहाँ पर आकर लगा और थोड़ा सा खून बह गया सर। हाँ सर लेकिन हमने उसको पट्टी कर दी थी सर, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ सर, सर उसके दूसरे दिन तक वो यहीं पे था और उसके बाद फिर शिखा के साथ चला गया। सर हमने कुछ नहीं किया। सर यकीन कीजिए सर, यकीन कीजिए सर। चाय लेकर आई हूँ, जल्दी आइए वरना ठंडी हो जाएगी। चौबीस घंटे हैं तेरे पास वरना वीडियो वायरल हो जाएगा। मैंने तुझे बेटी माना और तूने मेरा पति ही छीन लिया। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुझे। खबरदार जिसे हाथ लगाया तो छोड़ी मेरा। सिर्फ मेरे पैर की जूती है, चल छोड़ी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। किसने तेरा घर पर बात कर दिया? मैं छोड़ूंगी नहीं। सर भूषण के भैया भाभी अभी भी वहीं के वहीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सर जब भूषण की लाश हमें मिली थी तो उसके माथे पर पट्टी तो थी। तो हो सर आवर्मा, बूस्टर फैशन मैगजीन वालों का तो कहना है कि उनके वहाँ पर कोई भी शिखा नाम की मॉडल काम नहीं करती थी। और सर जिस पिक्चर बॉक्स स्टूडियो के बारे में मिलिंद ने बताया वो मैगजीन वाले भी वहाँ पर कोई फोटोशूट नहीं करते, उनके अपने स्टूडियोज है सर। सर पता नहीं ये फैशन मैगजीन वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं सर, जबकि उन्होंने इस स्टूडियो की बुकिंग करवाई थी। ये देखिए सर। तो कंपनी के बिहार पर बुकिंग किसने की थी? बुकिंग के लिए आया कौन था? सर एक लड़की आई थी, वो खुद को उस फैशन मैगजीन की प्रोडक्शन मैनेजर बता रही थी सर। और हाँ सर उसने अपना नाम वंदना बताया था सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि फैशन मैगजीन वालों ने शिखा को झांसा दिया हो और अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं? लेकिन बुकिंग कैश में हुई तो साबित कर पाना मुश्किल है कि बुकिंग उसी कंपनी ने की थी। हमारे पास शिखा और मूलचंद किसी की तस्वीर नहीं, हमें सिर्फ दोनों के नाम पता है। एक काम करो, जो लड़की बुकिंग के लिए आई थी इनसे उसका स्केच बनवाओ, कम से कम पता तो चले ये वंदना है कौन। ओके सर। और सर भूषण की पहली गर्लफ्रेंड वो इंदौर से कहाँ शिफ्ट हुई है ये अभी तक मालूम नहीं चल रहा। भूषण का वो फ्रेंड क्या नाम है उसका? मिलिंद, उसे रथाने बुलाओ। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भूषण की पहली गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ कहाँ होगी। अच्छा तो भूषण की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के जुगाड़ में लगा हुआ था। करता क्या तू? भूषण को स्टूडियो में लेकर गया, कहीं तू ही भूषण को भी झांसा तो नहीं दे रहा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर था, मेरे हर जगह सोर्सेज हैं। मुझे सोशल मीडिया पे आया था इनविटेशन फोटोशूट का, मुझे लगा कि मेरे किसी पुराने सोर्स से आया होगा। तो इनविटेशन तो होगा तेरे पास अभी तक? हाँ सर है इनविटेशन तो। देखा। और सर मैं भूषण को लेके जरूर गया था स्टूडियो में, लेकिन वो शिखा को पहले से जानता था। उसने कहा कि वो पहले कभी रेस्टोरेंट में मिले थे। सर उस लड़की का स्केच बन चुका है जिसने स्टूडियो की बुकिंग की थी, ये रहा उसका स्केच। वंदना, कहीं इस लड़की वंदना और ये शिखा इन दोनों को की गेम तो नहीं है? पता करो क्या इन दोनों को के क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर हाँ पापा, वो एक डील थी इसलिए इंदौर आई हुई थी। काम खत्म होते ही मिलती हो ना? कपाल का चंदा। सर इन दोनों में से हमें इस लड़की का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। इसका नाम वंदना नहीं बल्कि भव्या है। इस पे और इसके गिरोह पे
हनी ट्रैपिंग के कई सारे मामले दर्ज हैं और सतना के पॉलिटिशियन कृपाल को भी इसने अपने झांसे में फंसाया था। एक चुनाव प्रचार के दौरान अचानक से कृपाल कहीं गायब हो गया था और फिर उसके घर पर उसकी बीवी की लाश भी मिली थी। सर, कृपाल की बीवी ने सुसाइड किया था, फिर लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि कृपाल आखिरी बार इसी लड़की भव्या के साथ देखा गया था और सर पार्टी के चंदे का पैसा भी गायब था। क्या नेताजी, इज्जत बचा ली, जिंदगी कैसे बचाओगे? भूषण ने मॉर्टगेज लोन लिया था और उसके अकाउंट से पूरा पैसा साफ हो गया था, तो क्या भूषण को भी इसी गिरोह ने? सर, इसी गिरोह ने पिछले 7 सालों में 10 से ज्यादा लोगों को झांसा दिया था। तो इस गिरोह के बाकी लोगों की तस्वीरें? सर, इस गिरोह ने 2 साल पहले ग्वालियर के बिजनेस में नवीन जिंदल को अपना शिकार बनाया था। नवीन की लाश के पास में एक और लड़की की लाश मिली थी, उस लड़की की तब पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन ग्वालियर पुलिस की थ्योरी है कि वो लड़की इसी गिरोह की है, क्योंकि सर 7 साल पहले से इंदौर पुलिस इस औरत को एक बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर के सिलसिले में ढूंढ रही थी, लेकिन ये केस बैकलॉग में चला गया था। 7 साल पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मेरा ट्रांसफर हो गया था। आई थिंक उसके बाद से इस केस के ऊपर काम ही नहीं हुआ। उस दौरान इस फीमेल के अलावा एक मेल का स्केच भी सामने आया था, इसके बारे में कुछ पता चला? हमें ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का कनेक्शन गौतम के चाचा विवेक से होगा। हमने विवेक को अरेस्ट भी किया था, लेकिन विवेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और गौतम के फादर समर्थ ने विवेक की जमानत भी करवा ली थी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि विवेक ही इस केस का राजदार था। सर, क्या आप फिर से वही 7 साल पुराने केस की बात लेके बैठ गए? मैं क्यों अपने भतीजे को मरवाऊंगा? सर, तुमने अपने भतीजे को नहीं मरवाया तो किडनैपर्स तुम्हारे भतीजे को तुम्हारे घर पर क्यों लेकर गए? जाहिर सी बात है, तू किडनैपर्स के साथ मिला हुआ था और किडनैपर्स को जानता है। नहीं सर, मैं उन किडनैपर्स को नहीं जानता। हो सकता तुम उन दोनों को ना जानते हो, लेकिन क्या इन दोनों में से किसी को जानते हो? नताशा? पापा? पापा? क्या हुआ पापा? अपने भाई को मार कर 7 साल से बेवकूफ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। समझ जे, छोड़ दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर आदिल, ये अत्यारी अपने भाई को खा गई। छोड़ दीजिए। सात साल पहले तुम महज 19 साल की थी और तब तुमने अपने भाई को क्यों? मुझे बचपन से ही पैसों की लत थी, पर पापा पैसे देते ही नहीं थे। जब मैं मुंबई पढ़ाई करने गई तो वहाँ मैं भव्या से मिली। इसने मुझे आइडिया दिया कि पापा से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ये तो क्या बोल रही है भव्या, मैं और अपने भाई का किडनैप? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये काम बड़े आसानी से कर जाते हैं, और तुम्हारे भाई को भी कुछ नहीं होगा। भव्या ने जग्गी और कामिनी के साथ मिलकर एक घर में चोरी की थी। भव्या ने मुझे जग्गी और कामिनी से मिलवाया। गौतम के फोन में हमें एक फेक आईडी का नंबर मिला था, वो नंबर किसका था? जग्गी ने मुझे दिया था जब मैं गौतम के साथ मिलकर प्लान सेट कर रही थी। अगर मैं अपने नंबर से गौतम को बार बार कॉल करती तो पुलिस मुझसे पूछताछ करती। तो क्या गौतम भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? हाँ, मैंने उसे टैब का लालच दिया और वो मान गया। हाँ, टैब तो मुझे चाहिए, पर मिलेगा कैसे नताशा दीदी? अगर तू मेरी बात मानेगा ना तो तुझे टैब क्या 1,00,000 रुपए भी दूंगी, जिसे तू जो चाहे वो खरीद सकता है। कैसे नताशा दीदी? मैंने गौतम से कहा कि वाइट कलर की वैन में मेरे कुछ फ्रेंड्स उसको पिक करने आएंगे, लेकिन जग्गी और कामिनी गौतम को वैन में बहुत देर तक घुमाते रहे। गौतम को लगा था कि वो जैसे ही वैन में बैठेगा उसे उसका टैब मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये जग्गी और कामनी गौतम को लेकर तुम्हारे चाचा के घर गए। हाँ, मेरे पास उस घर की चाबियाँ थी, लेकिन मैं गौतम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। बट हमें आइडिया नहीं था कि पापा पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे। इसी गुस्से में जग्गी ने गौतम का अंगूठा काट दिया। कामिनी, तुमने गौतम के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तुम लोग ऐसे कैसे मेरे भाई के साथ? अगर ये बचाना तो तू फंसेगी, अगर तुझे बचना है तो इसे मारना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, पर जब पापा ने जग्गी को पैसे दिए तो जग्गी ने गौतम को गौतम की आंखें क्यों निकाली थी? ताकि लगे कि ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। पैसा मिला तो हमें लालच आ गया और हमने अपनी एक गैंग बना ली और हनी ट्रैपिंग में घुस गए। हम सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से
रिकी करके टारगेट ढूंढते थे और हम ऐसे आदमी की तलाश करते थे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। कृपाल के अलावा और बहुत सारे लोगों को फंसाया था हमने। कृपाल गुंडागिरी से नेतागिरी में उतरना चाहता था और उसके लिए उसको एक राजनीतिक सलाहकार की ज़रूरत थी। फिर मैंने एक फेक रिज्यूम बनाया, उन्हें दिखाया और बोला कि मैं साउथ इंडियन लीडर के साथ भी काम कर चुकी हूँ। फिर मैंने उसे सड्यूस किया और एक दिन मौका देख के उसका वीडियो बनवा लिया। हम एक सर्जन की रिकी कर रहे थे तभी वहाँ भूषण अपने एक दोस्त के साथ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था। हमें लगा कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले के पास तो बहुत पैसा होगा। हमने मालूम किया तो उसे पहले एक लड़की छोड़कर जा चुकी थी। उसी का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे अपने जाल में फंसाने की सोची और मिलिंद को फेक फ़ोटोशूट का इन्विटेशन भेजा। वो भूषण तुम्हारे प्यार में इतना दीवाना था कि तुमसे शादी का सपना पूरा करने के लिए मूलचंद को 30 लाख देने को तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने अपना घर गिरवी रख दिया और तुम्हें 30 लाख दिए और तुमने ना सिर्फ उसके प्यार को धोखा दिया बल्कि उसका कत्ल कर दिया। चलो शिखा और जाके अपना पीछा छुड़ा लो उस मूलचंद से। तुम लोगों के गैंग में कामनी भी थी, उसका कत्ल कैसे हुआ? हमने ग्वालियर के एक बिजनेसमैन को ट्रैप किया था। जब उसका मर्डर करने जा रहे थे तो अपने बचाव में कामिनी का मर्डर हो गया था उससे और फिर हमने उसे मारा और उसके पैसे लेकर भाग गए। महज पैसों के लिए तुमने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया, सिर्फ पैसों के लिए, और इतनी बड़ी मुजरिम बन गई। ताजुब होता है कि एक बहन अपने सगे भाई का कत्ल कैसे कर सकती, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तुमने भाई बहन के रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। बुरी संगत हमेशा बुरी रंगत ही देती है। किसी भी देश काल में जब एक बचपन गुमराह होता है तो आने वाली कई पीढ़ियां अपराध के साए में घिर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं ये दौर ही ऐसा है जहां बुराई अपने वर्चस्व पे है, आज ही हवा पानी ही भ्रष्ट है। लेकिन ये रोग कुदरत का नहीं, हमारे मन का है, हमारी सोच का है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये सिद्धांत उसी किताब के हैं जो बचपन में हमने भी पढ़ी थी। इसलिए हमें तो आज अच्छाई की ओर एक कदम आगे होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा दिखाई देता है? शायद नहीं। इंसानियत का स्तर साल दर साल गिरता जा रहा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारी मौजूदा पीढ़ी अगर सैद्धांतिक मूल्यों की रक्षा करेगी तो ही आने वाली पीढ़ी इसको एक कदम और आगे ले जा सकती है और हम एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।